इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा और ये ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। आपको देखने को मिल रहा है भैया आपका डिस्पैच भी हो चुका है प्रिंटिंग होने के बाद। केवल और केवल 5 से 7 दिन के अंदर में आप अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं यदि आपने सारा डिटेल्स बिल्कुल ठीक ठीक भरा है और सही तरीके से अप्लाई किया है। सही तरीके से आपको कैसे अप्लाई करना है कि आपका बिना रिजेक्ट हुए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिया गया है जिसका लुक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब यदि आपने इस वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन खुद से अप्लाई किया है या फिर किसी और पर्सन से आपने ऑनलाइन करवाया हुआ है और अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, आपके घर पे नहीं पहुंचा है, तो सबसे पहले आपको इसका स्टेटस चेक कर लेना है कि आपका जो आवेदन है कहीं होल्ड हो गया है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो उसके बाद से आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक कहां पहुंचा हुआ है। आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कोई सा भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में और यहाँ टाइप करना है वोटर आईडी। जी हाँ फ्रेंड्स, देख लीजिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा voters.eci.gov.in। आपको इसी वाली वेबसाइट पे चले जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ तक कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ट्रैक या फिर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया हुआ था रजिस्ट्रेशन के टाइम और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था वो एंटर करना है और उसके बाद से लॉगिन कर लेना है। देखिए अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होता है, पासवर्ड बनाना होता है। किस तरीके से आपको बनाना है इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया था इसलिए मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, पासवर्ड एंटर कर लिया है, उसके बाद से कैप्चा एंटर करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर लिया है, उसके बाद से यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सफलतापूर्वक ओटीपी वेरीफाई हो चुका है और लॉगिन भी हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्विसेज में आप देखेंगे तो काफी सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। अब इसमें आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे सेलेक्ट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट से आपने बनवाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी, देखिए गुजरात कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट, क्योंकि इन्होंने गुजरात से बनवाया हुआ था। अब उसके बाद से रेफरेंस नंबर, देखिए रेफरेंस नंबर आपको कहां से एंटर करना है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आप सफलतापूर्वक एप्लीकेशन करते हैं ऑनलाइन तो एक आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं दिखा भी देता हूं। देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये फॉर्म 6 लिख करके आता है और यहाँ पे आपको एक्नोलॉजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। देखिए ये ही नंबर आपको एंटर करना है, कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म डाउनलोड होकर के आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका S06 से चालू है और लास्ट में 002 है और ये ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है, यहाँ पे कुछ डिजिट में आपको दिखा दूंगा कंफर्मेशन के लिए। देखिए यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप सबमिट करेंगे आपको देखने को मिलेगा रेफरेंस नंबर जो आपने अभी भी एंटर किया है, उसके बाद से स्टेट देखने को मिल जाएगा जो आपने अभी भी एंटर किया है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपने किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया हुआ था और आपका नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे लास्ट नेम देखने को मिल जाएगा, फॉर्म 6 देखने को मिल जाएगा, आपने फॉर्म 6 फिल किया हुआ था। इसके बाद से फ्रेंड्स, आप सबमिशन का डेट यहाँ पे देख सकते हैं कब आपने सबमिट किया था और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इनरोल अपडेटेड और यहाँ पे जो एरो है ना, एरो पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरा स्टेटस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके केस में टोटल यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी तरीके से वेरीफाई हो चुका है और इनका अभी तक आप देखते हैं EPIC नंबर भी जनरेट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो जनरेट हो चुका है, हालांकि अभी तक इनको मिला नहीं है। आप देख सकते हैं नोट डिस्पैच्ड लिखा हुआ है, अभी डिस्पैच नहीं हुआ है, अंडर प्रिंटिंग है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इनका जैसे ही प्रिंट हो जाएगा उसके बाद से इनके घर पे भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं और आपके केस में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भैया आपका डिस्पैच भी हो चुका है प्रिंटिंग होने के बाद लेकिन अभी तक मिला नहीं है
और यहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड जो नंबर देखने को मिल रहा है RIN से ये जनरेट हो चुका है, तो इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड करके और कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है तो बिल्कुल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आप अपने आधार कार्ड के बेस पे कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भैया इनका 5 तारीख को अप्लाई किया था हमने और 5 तारीख को ही वेरीफाई भी हो चुका है और उसके बाद से 12 तारीख को एक्सेप्ट हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केवल और केवल 5 से 7 दिन के अंदर में आप अपना वोटर आई डी कार्ड बना सकते हैं यदि आपने सारा डिटेल्स बिल्कुल ठीक ठीक भरा है और सही तरीके से अप्लाई किया है। सही तरीके से आपको से अप्लाई करना है कि आपका बिना रिजेक्ट हुए वोटर आईडी कार्ड बन जाए और जल्द से जल्द बने, इसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप देखेंगे भैया आप भी खुद से अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आप भी नया वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं।